स्वागत है दर्शकों आपका एक बार फिर से एच टुडे के विशेष 15 अगस्त स्पेशल कार्यक्रम में। रुक करेंगे अब प्रदेश की ओर। जी हां, देश भर की तरह हिमाचल की राजधानी शिमला में भी राज्य स्तरीय उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहुंचकर मार्चपास्ट की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कई तोहफे भी लोगों को दिए। आपको बता देते हैं इनमें प्रमुखता से कौन से तोहफे रहे। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जो सहायता मिलती थी अब वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। वहीं कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है, जिससे लोग काफ़ी खुश हुए हैं। रुक करते हैं अब शिमला की ओर और देखते हैं ये प्रमुख झलकियाँ। सलामी मंच के सामने से द्वितीय प्लाटून द्वितीय आरक्षित पुलिस वाहिनी सुको की टुकड़ी गुजर रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर सुभाष कुमार। नेतृत्व कर रही है महिला सब इंस्पेक्टर डिंपल। सलामी मंच के सामने से सलामी मंच के साथ सलामी मंच के सामने से गुजर रही है ट्रैफिक पुलिस की। हिमाचल प्रदेश जिला पुलिस बैंक व द्वितीय आरक्षित पुलिस वाहिनी स्को बैंक। इसके पीछे है एनएसएस बॉयज की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं मिस्टर विक्रम कुमार। स्काउट एंड गाइड माननीय मुख्यमंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला की महापौर श्रीमती कुसुम ध्वजारोहण करेंगे। निरीक्षण करते हुए गाड़ी में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री विजय अग्रवाल जी, प्रथम प्लाटून द्वितीय आरक्षित वाहिनी सुलू परेड का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आगे
जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, दस हजार 330 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हिमाचल के लिए केंद्र की ओर से हमारी सरकार की जिस वर्ग के लिए बहुत ज्यादा मदद करने की आवश्यकता के दौर में से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए मदद करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है। पूर्व में बहुत ज्यादा है, उसके बाद बहुत सारे लोग इस कैबिनेट का पहला निर्णय अपने सरकार ने यह लिया कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, पर जो है आयु सीमा 80 वर्ष नहीं 80 वर्ष से निर्णय हिमाचल प्रदेश का लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल 1,30,000 से ज्यादा हमारे बुजुर्गों को जो है पेंशन का आश्वासन है। जिन बुजुर्गों को हम मिलते हैं जब पेंशन का जिक्र होता है तो वो भाव मैं महसूस, क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन किया था, एक प्रण किया था, जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत एक हो गया, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, एक राज्य बन गया, तो जम्मू कश्मीर में परमिट के साथ जाने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। परमिट की व्यवस्था जो वहां पर उस वक्त की गई थी उसको समाप्त करना चाहिए। आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी शहादत हुई। मैं समझता हूं कि धारा 370 समाप्त होने के पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके उस स्वप्न को भी हम साकार रूप में अपने सामने देख रहे हैं, जहां